शिवसेना के नेता अब्दुल सत्तार का एक ऐसा गंदा वीडियो सामने आया जिसे सुनने पर हर हिंदू का खून खौल उठेगा। ये उसी महाराष्ट्र में हो रहा है जहां हनुमान चालीसा का विरोध किया जा रहा है। हनुमान चालीसा का विरोध करते करते ये हनुमान जी के लिए ऐसे भद्दे शब्दों का प्रयोग करने लग गए। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी अपने ही समाचार सामना में अपने आप को गदाधारी हिंदू सिद्ध करने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि वो एक गदाधारी हिंदू हैं और जो लोग हनुमान चालीसा की बातें कर रहे हैं, जो लोग उनके विरोध में खड़े हैं, वो घंटाधारी हिंदू हैं। तो हम उद्धव साहब से ये पूछना चाहेंगे कि आदरणीय उद्धव जी, आपकी ये गदा कहाँ चलती है? क्या आपकी ये गदा केवल उन लोगों पर चलेगी जो हनुमान चालीसा मातोश्री में पढ़ने की बातें करेंगे? मातोश्री में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करने पर राणा दंपत्ति पर केस हो गया और देशद्रोह का मामला चलाया गया। इतना ही नहीं, आपको सोचकर आश्चर्य होगा कि अजान के वक्त अपने घर में भी संगीत बजाना अब हराम हो गया है। रेलवे सब इंस्पेक्टर के खिलाफ महाराष्ट्र में केस हो गया क्योंकि उसके घर पे उसकी पत्नी के जन्मदिन के उपलक्ष में कुछ संगीत बज रहे थे और गलती से वो संगीत उस समय बजे जब अजान चल रही थी। यानी अब आप अपने घर पर ब्लूटूथ स्पीकर पर भी कोई संगीत या भजन नहीं बजा सकते जब मस्जिद में अजान हो रही हो। उद्धव साहब की गदा उन पर कब चलेगी जो हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को नीच और हरामी कहते हैं और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं? उद्धव साहब की गदा उन पर कब चलेगी जो लोगों को खुलेआम धमकी देते हैं कि 20 फीट नीचे गाड़ देंगे? ऐसे लोगों पर उद्धव साहब की गदा कब चलेगी? चलेगी भी या नहीं? अब सुनिए अब्दुल सत्तार का वो भद्दा वीडियो और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 5 मिनट के अरे बुरी खाते है तुम्हारी माँ की चूत, तुम्हारी हनुमान चोरे, तुम्हारी माँ को साले बोलते के बच्चो, हनुमान चोरे तुम्हारी माँ को साले बोलते के बच्चो। उद्धव साहब कब कार्यवाही करेंगे ऐसे लोगों पर जो हनुमान जी और हनुमान चालीसा का विरुद्ध आग उगल रहे हैं? और आठवले साहब, इनको भी चिंता केवल इस बात की है कि लाउडस्पीकर हटाने की बात राज ठाकरे ने क्यों कह दी, और संविधान की याद भी केवल वहीं आती है, हिंदुओं के लिए नहीं। अंत में ये एक छोटा सा वीडियो और जरूर देखिए आप लोग और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निराभया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् भावयेत्। सारी दुनिया हमारी है, सब लोग बराबर हैं, सब लोग एक हैं। जब जब वो आप कहते रहिए, वो आपको बजाते रहेंगे।